ओम नमः शिवाय। मित्रों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो टुडे में। आपके समक्ष मैं फिर एक बार एक नई उमंग एक नई चेतना के साथ पंडित बीएन शास्त्री। आज हम बात करेंगे मकर राशि, राशि नंबर 10 यानी 10वीं राशि मकर राशि, स्वामी शनि, शनि भगवान। तो आप शिव जी की आराधना करें, शिव जी को इष्ट माने, और क्योंकि आपके इष्ट भी शिव जी हैं मकर राशि वालों के लिए, तो शिव चालीसा का आप पाठ जरूर करें निरंतर। ये पूरे जीवन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, केवल सितंबर महीने के लिए नहीं बता रहा हूँ। तो ये आप जरूर उपयोग में लाएं, शिव जी की चालीसा करें। देखिए मकर राशि वालों के लिए ये जो महीना है ये उचित महीना नहीं है। थोड़ा सा आपको इस महीने कष्टकारी समय रहेगा। अगर अगस्त की तुलना में मैं देखूँ तो अगस्त से थोड़ा अच्छा कम रहेगा, हल्का में रहेगा महीना। पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, कुछ उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा, वो उपाय आप जरूर करें, और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उनका आपको ध्यान रखना है ताकि आपको कोई बड़ी समस्या ना आए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमारा जो मैं आपको बता रहा हूं या हम वीडियो बना रहे हैं उसका कारण ये है कि हम आपको पहले से सचेत कर सकें। तो 1 सितंबर से 30 सितंबर मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, व्यवसाय की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, परिवार, शिक्षा, इन सभी चीज़ों के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं मकर राशि, स्वामी शनि, शुभ अंक 10 और 11, शुभ रंग कलर आसमानी, शुभ दिशा दक्षिण, शुभ दिन हफ्ते के शनिवार और बुधवार रहेंगे। तो ये विशेष है, आप ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्य करें इन चीज़ों को आप उसमें इंक्लूड करें, ऐड ऑन करके कार्य करें। अगर मैं बात करूं आपकी ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए पूरे महीने की सितंबर की, तो नकारात्मक परिस्थिति देखेंगे, यानी नेगेटिव स्थिति मुझे दिख रही है, नेगेटिव रिजल्ट वाली स्थिति दिख रही है, नकारात्मक है। गोचर जो आपके कह रहे हैं धनु मकर राशि के, नकारात्मक रहेंगे, टेंशन ज़्यादा रहेगी, साथ ही साथ मिश्रित परिणाम भी मिलेंगे आपको, मतलब नकारात्मक रहेंगे पर मिश्रित मिलेंगे, अच्छा भी बुरा भी, अप और डाउन दोनों, मिश्रित जिसको कहते हैं, ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी। समस्या तो रहेंगी, उसके साथ साथ उपाय भी करें, क्योंकि समस्याओं को लिए आपको अचूक उपाय करने की आवश्यकता है, तभी आपका मकर राशि वालों के लिए सितंबर का महीना अच्छा साबित होगा, वरना आपकी स्थिति कमज़ोर है और राशि वालों से। तो अगर हम व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो आपके चलते काम रुक जाएंगे, ठप हो जाएंगे, लॉस हो सकता है आपको। तो आप कार्यों पर, व्यवसाय पर ध्यान दें, मेहनत ज़्यादा करें, सोच विचार कर कार्य करें, बड़ा निवेश ना करें, निवेश ही ना करें, मैं तो ये कहूँगा कोई भी निवेश ना करें, जैसा चल रहा है चलते रहने दें, थोड़ा उस पर ध्यान अधिक दें, समय ज़्यादा दें, अपने अनुभव को जो आपने सीखा है कार्य में, अपने अनुभवों का उपयोग करें, अपने जो आपके जूनियर्स हैं व्यवसाय में आपके अंडर जो काम करते हैं उन पर ध्यान रखें खासतौर कर। इसके साथ साथ कुछ खास लोग आपको इस महीने आपके काम में जुड़ सकते हैं, मैंने कहा ना मिश्रित परिणाम, अप और डाउन, अच्छा बुरा दोनों, तो खास लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं जिनसे आपको लाभ मिल सकता है। 16 और 17 तारीख, 16 सितंबर 17 सितंबर को हानि बहुत अधिक हो सकती है आपको, तो मैं तो ये कहूँगा 16 और 17 सितंबर को कोई भी कार्य ना करें, आप रुकें, वेट करें, दो दिन में कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि बड़ी समस्या होने से अच्छा है कि वैसा का वैसा रहने दें, 16 सितंबर 17 सितंबर को वेट करें। नौकरी की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो नौकरी के लिए अनुकूल है समय, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, कोई ख़राब नहीं है, अनुकूल परिस्थितियाँ रहेंगी, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, कोई मेजर या कोई बड़ी ना तो लाभ है ना बड़ा हानि है। रफ्तार कम होगी आपकी नौकरी में, जो आप कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगन से कार्य कर रहे हैं, उसमें रफ्तार स्लो हो जाएगी, गति कम होगी, स्लो काम होगा, यानी आप पर वर्कलोड भी कम होगा इस महीने। इसके साथ अगर आर्थिक दृष्टि हम देखें, क्योंकि व्यवसाय नौकरी दोनों में ही समस्या है, तो आर्थिक दृष्टि से सामान्य रहने वाला आपका महीना है मकर राशि वालों का, आर्थिक दृष्टि से सामान्य रहने वाला महीना है। संपत्ति को लेकर कोई उलझन आ सकती है, संपत्ति के मामले में आप उलझ सकते हैं, तो अगर कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं तो ना करें, क्योंकि उलझन आ सकती है, पेपर वर्क कागजी कार्रवाई में आप फंस सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। संतान सुख अच्छा रहेगा, केवल संतान सुख आपके लिए बहुत अच्छा है, गर्भधारण के योग बन रहे हैं, संतान सुख के योग बन रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है आपके लिए, क्योंकि मैंने कहा ऊपर अप डाउन रहेगा, मिश्रित परिणाम रहेंगे, तो संतान सुख की तरफ से पॉजिटिव रहेगा। दाम्पत्य जीवन अगर मैं देखूं तो प्रेम जीवन की पहले हम बात करते हैं, प्रेम जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, आपके किसी के साथ संबंध हैं रिलेशन में अगर आप, तो उसमें लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, कठिनाइयाँ आ सकती हैं, कोई ना कोई समस्या आप दोनों के परस्पर बन सकती है, जिससे आपका वो रिश्ता टूट सकता है, ब्रेकअप के चांसेस बढ़ रहे हैं। यानी वैवाहिक सुख भी
नॉर्मल रहेगा, ना अच्छा ना बुरा। कोई नए वैवाहिक सुख नहीं बन रहे, विवाह के योग नहीं बन रहे हैं मकर राशि वालों के लिए सितंबर में। तो इस तरह करें, रोक कर चलें सारी चीज़ें। मैं आपको शुरू में भी बताया, कोई बड़ा ही चीज़ें ना करें, जैसा चल रहा है चलने दें, ना अच्छे की सोचें ना बुरे की, लालच में ना पड़ें, चलने दें। पारिवारिक अगर मैं बात करूं तो परिवार का सहयोग जरूर इसमें मिलेगा, जो आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि जब आपके साथ आपका परिवार खड़ा होता है तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आ जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी बैकबोन है, कोई पीछे, आपके पीछे कोई है तो आप कार्य कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो परिवार का आपको सहयोग मिलेगा, भाई बहन भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, जिससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, अच्छा परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो माता का स्वास्थ्य आपका खराब रह सकता है इस महीने, माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता की आवश्यकता है। माता के स्वास्थ्य में आपको कोई बड़ा धन भी खर्च हो सकता है, तो उनको आप ध्यान दें, माता के स्वास्थ्य पर शुरू से ही ध्यान देकर चलें। आपकी अगर मैं बात करूं आपके स्वास्थ्य की मकर राशि वालों के, तो कंधे के दर्द से आप परेशान हो सकते हैं, यानी दोनों कंधों में से किसी भी कंधे में आपको दर्द रह सकता है, मोच आ सकती है, नसें खिंच सकती हैं, तो कंधे का दर्द रहेगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है, माता की तरफ से चिंता लेनी है अपनी, केवल आपको कंधे के दर्द का उपाय करना है। शिक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो आपके लिए शिक्षा अच्छी है, पर पहले से आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा, पहले से अधिक आपको मेहनत करनी है तभी आपको सफलता मिल पाएगी। कोई परिणाम, आप परीक्षा देने वाले हैं, एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम है सितंबर में, तो उसके लिए आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। भाग्य पर ना छोड़ें, भाग्य का साथ इस महीने मकर राशि वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, भाग्य बिल्कुल उनके साथ नहीं है, आपको खुद से अपने आपको कंट्रोल करना, अपने आप पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उपाय की अगर मैं बात करूँ तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय का आप जाप करें, सूर्य को अर्घ दें, सुबह सूर्य उदय के समय जल दें और ओम नमः शिवाय का आप जाप करें, या ओम नमो नारायण का भी आप जाप कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप जाप करें, पर जरूर करें। और अगर हो सके तो कोयला लें, कोयला लेकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा एंटी क्लॉकवाइज आप उतार के किसी भी बहते हुए पानी में, नदी में, नाले में आप उसको विसर्जित करें और चलें सीधा, पीछे मुड़कर ना देखें, तो वो आपकी ग्रह एक तरह से उतर जाती है। तो ये ग्रह उतारने के लिए कोयला लें और ये जरूर करें, शनिवार को दिन करना है, यानी चार शनिवार आपको ये जरूर करना है। तो मकर राशि वालों के लिए मैं ये कहूँगा, परेशानी वाला मंथ है, टेंशन वाला मंथ है, महीना अच्छा नहीं है, भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है, चारों तरफ से आपको समस्याएँ हैं, नकारात्मक स्थिति रहेगी, तो आपको अपने आप पर ध्यान देना है, परेशान नहीं होना है, अपने आप से आपको पॉजिटिव रहना है। कोई बड़ा निवेश, कोई बड़ी गठजोड़, कोई बड़ी कार्य या कोई भी आप नई विचार ना बनाएं, नए कार्य के लिए आप प्लानिंग ना करें, कोई नया कार्य ना स्टार्ट करें, कोई भी नया काम ना करें, नौकरी अगर चेंज करना चाहते ना करें, रुकें, ठीक है। कोई भी आप नौकरी के लिए आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे इधर प्रमोशन नहीं मिल रहा, मैं दूसरी कंपनी में जाता हूँ या इंटरव्यू देता हूँ, तो वो भी ना करें, जिसमें है उसमें रहें। अच्छा समय आएगा, मैं आपको बताऊंगा, आप हमसे जुड़े हुए हैं, और नहीं जुड़े तो आप हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिले। तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा समय आपके लिए अच्छा है जब आपको ये चीज़ें करनी है। तो ये मैं आपको कहूंगा, आप पॉजिटिव रहें, आपसे मेरी अपील है, विनती है कि आप खुद से पॉजिटिव रहें। तो आज के लिए इतना ही, मकर राशि वालों के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई राशिफल के साथ। ओम नमः शिवाय।